हेलो, कैसे आप सब लोग? आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे लिप्पन आर्ट रंगोली। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है और इसे हम होम डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर अगर लिप्पन आर्ट किट अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इस वीडियो में मैंने ये जो लिप्पन आर्ट बनाया है वो विदाउट लिप्पन आर्ट किट बनाया है और ये बजट फ्रेंडली भी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ नए नए आर्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वुड सर्कल लिया है जो क्राफ्ट के लिए यूज होता है और जो किसी भी आर्ट और क्राफ्ट स्टोर में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेसिंग पेपर पर डिजाइन ट्रेस कर लिया है। तो कार्बन पेपर के हेल्प से ये डिजाइन मैंने वुड सर्कल पर ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं एयर ड्राई क्ले का यूज करूंगी। तो एयर ड्राई क्ले लेके हमें इस तरह से जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से उसे रोल कर लेना है। तो क्ले को रोल करके हमें यहाँ पर नूडल्स जैसे शेप बनाने हैं। तो यहाँ पर रोल करके नूडल्स के शेप हमने बना लिए हैं। तो हमें इस नूडल का पूरा सर्कुलर पोर्शन चाहिए, इसीलिए जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा छोटा पोर्शन है वो मैंने कट कर लिया है कटर के हेल्प से। अब यहाँ पर हम किसी भी टाइप का ग्लू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिजाइन की लाइंस है उसके ऊपर मैंने ग्लू अप्लाई किया है और फिर ये जो नूडल्स हमने बनाए थे वो उसके ऊपर स्टिक कर दिए हैं जैसे वीडियो में दिख रहा है। और ये क्ले का थ्रेड या नूडल जो हमने बनाया है उसको कट करने के लिए हम कटर का यूज करेंगे। तो ये जो पूरी डिजाइन है उसके ऊपर हमें ये जो क्ले के नूडल हमने बनाए हैं उसे स्टिक करना है। तो जहाँ पर हमें ये पेटल्स बनानी है वहाँ पर हमें ये जो नूडल है उसे स्टिक करने के लिए पहले थोड़ा सा कट कर लेना है। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम ये नूडल जो है वो उसे कट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट स्टिक करेंगे। और ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। और डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद उसे हमें अच्छे से ड्राई करना है। अब ड्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर लिया है और मैं इस पूरे डिज़ाइन पर अब व्हाइट कलर से पेंट कर लूँगी। अब यहाँ पर व्हाइट कलर अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम इस डिज़ाइन को कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो सारे कलर्स अच्छे से ड्राई करने हैं और ड्राई होने के बाद यहाँ पर हमें वार्निश अप्लाई करना है। वार्निश ड्राई होने के बाद हम यहाँ पर ग्लू अप्लाई करेंगे और मिरर स्टिक करेंगे। ये जो मिरर्स है वो मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को बॉर्डर नहीं बनाया तो मुझे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्रश के जो बैक साइड का टिप होता है उसका यूज़ किया है और कलर में उसे डीप करके यहाँ पर मैंने डॉट्स दिए हैं। तो डॉट्स से मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर बनाई है जैसे वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पर ये लिप्पन आर्ट रंगोली रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।